पिछली कश्मीर की वीडियो में आप सभी मुझसे पूछ रहे थे कि श्रीनगर में आपको कहाँ स्टे करना चाहिए। देन दिस ब्लॉग इज फॉर श्रीनगर हाउस बोट स्टे। इस ब्लॉग में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आपको हाउस बोट की सारी डिटेल बताऊंगी। सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। मैं आपको अपनी हाउस बोट दिखाती हूँ। ये हमारे हाउस बोट का पहला रूम, अब देख सकते हो। ये एक एक जना सो सकता है। इसमें दो रूम है, हाउस बोट में आपको मिल जाते हैं। किसी हाउस बोट में दो रूम होते हैं, किसी हाउस बोट में तीन, किसी में चार। तो मिनिमम टू होते हैं और मैक्सिमम चार होते हैं हाउस बोट में। वो कितनी बड़ी हाउस बोट है, हमने अपने दो रूम्स की लेने थे इसलिए हमने एक छोटी सी एक ही हाउस बोट ली ताकि हमारी फुल हाउस बोट हो जाए। ये है हमारा फर्स्ट रूम, इसका मैं आपको वॉशरूम दिखा रही थी। बस थोड़ा वॉशरूम में एक दिक्कत आती है आपको, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि हाउस बोट में जो वॉशरूम होते हैं उसमें आपको सब कुछ मिलता है, फ्लश और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब आपको नहाना है तो आपको उसके अंदर नहाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहाएंगे तो हाउस बोट में पानी गिर जाएगा और आपका पानी बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से पूरा खराब हो सकता है। तो फेयर इनफ कि अब पानी उस तरीके से ही अंदर से ही नहाए बैठ के, तो वैसा वाला हिसाब रहता है। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। ये है हमारा सेकेंड रूम, ये वाला। ये भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है और इसमें भी सिंपल वॉशरूम है। यहाँ पे इन्होंने चप्पल प्रोवाइड कर रखी है आपको, आपको देख सकते हो आप। और यहाँ पे आप ऐसे, यहाँ पे ही आपको नहाना होता है, बाल्टी और टब दे रखे हैं आपको, सब कुछ यहीं पे ही करना होता है क्योंकि यहाँ से पानी आ जाता है। तो मेन इशू ये है। मैं आपको अब दिखाती हूँ मेन जगह जहाँ पे आप डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हो सबके साथ, वो मेन जगह दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे हमने आते ही अपने शूज रख दिए थे यहाँ नीचे, ठीक है। थोड़ा सा किचन टाइप ही है, यहाँ पे आप सब कुछ रखा हुआ है, अगर ज़्यादा ब्लैंकेट टॉवल्स और सब कुछ, तो आप प्लेट्स या सब कुछ ले सकते हो। और ये ही जाने का रास्ता है सुबह का, तो सुबह जाके हम टेरेस भी देखेंगे कि कैसा लगता है, ठीक है। अभी तो नहीं देख सकते। बाकी अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जगह हमारी, पूरा डाइनिंग एरिया, बैठ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं बैठ के, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है हमें। हाउस बोट बहुत ही प्यारी है। वन डे के लिए तो मतलब मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपको आना चाहिए यहाँ पे, और वन डे स्टे तो मतलब वर्थ इट है। हमारा हाउस बोट का डिनर रेडी है और मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें है हमारी रोटियाँ, सलाद, ये है हमारा लौकी की सब्जी, ये है हमारी राइस, ये है हमारा दाल, ये है हमारा पनीर की सब्जी, और ये है हमारा चिकन कबाब। अब वेज है नॉन वेज है ये उसी के हिसाब से आपका डिसाइड होता है। Delicious. अगर आपने पूरी बोट बुक करी है तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा अगर आप कुक को आप अपनी तरीके से डिश अकॉर्डिंगली आप बनवा सकते हो, क्योंकि कश्मीर में खाना थोड़ा कम स्पाइसी होता है बहुत सारी जगह पे। और अगर आपने पूरी हाउस बोट अपनी बुक करी है तो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट डे हम गए वेजिटेबल मार्केट, जो कि सुबह 5 बजे खुल जाती है। ये मार्केट डल लेक से 10 से 15 मिनट दूर है, लेकिन हमें यहाँ पहुँचने में 40 से 45 मिनट लग गए थे, क्योंकि हमने नगीन लेक पर हाउस बोट करी थी। हमने नगीन लेक पर हाउस बोट क्यों करी थी, इसका रीजन मैं व्लॉग के एंड में बताती हूँ। तो अभी हम वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं, सुबह सुबह सोना बहुत अच्छी होती है। बस हम जल्दी पहुंच जाए और आपको अच्छे से भैया भी नजारे दिखाएं। ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। A few moments later. सबसे बेस्ट सीजन जुलाई और सर्दियों में कौन सा? नहीं, सबसे बेस्ट सीजन तो साल में 3 बार आना है, ये 5-6 साल में 3 बार। 3 बार कब? इसका अलग अलग टाइम है। 3 बार कब कब? अप्रैल में यहाँ पे टूलिप गार्डन का है सबसे बेस्ट। हाँ, टूलिप गार्डन। बस तो दूसरा है जुलाई में। अच्छा, जुलाई में यहाँ पे फ्रेश फूल, बादाम, अखरोट, सेब, हर एक खिलाड़ी ग्रीन कलर का होगा, आपने अच्छा। पेड़ से काटोगे और खाओगे। तीसरा टाइम है स्नोफॉल, वो जनवरी में बेस्ट रहता है। जनवरी में 15 दिसंबर के बाद कभी भी बर्फ पड़ सकता है। इंटरेस्टिंग। यहाँ से शुरू है फ्लोटिंग मार्केट। ये
तो पीछे गए हैं, ये गोल गोल से वो आते खरबूजे के पेड़ थे और तरबूज उगता है वहाँ पे, कद्दू भी। तो यहाँ पे पूरी ये जो ये है पूरी घास, इसी पे फ्लोटिंग पे खेती होती है और फ्लोटिंग मार्केट भी इसलिए है। हम जब पहुँचे थोड़ा लेट, तो मैं आपको सलाह दूँगी कि चाहे कोई भी आपको कुछ भी बोले, प्लीज़ 5 बजे तक पहुँच जाना फ्लोटिंग मार्केट, नहीं तो आप नहीं देख पाओगे। किसी पे इस चीज़ पे विश्वास मत करना, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो उस चीज़ के और आपको वो चीज़ वसूल होनी चाहिए। तो 5 बजे पहुँचने का मतलब है आपके, आप कहाँ रहते हो, हम तो नकीन लेक पे रह रहे थे तो उधर से आने में और टाइम लगता है। तो आप दल लेक से रह रहे हो तो बहुत पास पर एवेंचुअली हाउस बोट आ गई हमारी, और बारिश हो रही है आप देख सकते हो, और ये हमारी हाउस बोट। मीनवाइल ये देखो एक और ब्लॉगर आ गए हमारे, अब इनका भी कल चैनल फॉलो कर देना। चैनल का नाम बता दीजिए अपना, फ्री चैनल का। हाँ चैनल का नाम क्या है आपका? श्री चंडीगढ़ डॉट डॉट आगे भी बता अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है। आप किस चीज के ब्लॉग करते हैं? मैं भाई जलवा है हमारा। तो गाइस आज मैं अभी मैं आपको छत दिखा रही हूँ, रात को दिखा नहीं पाई थी, हम यहाँ से आए छत से यहाँ सीढ़ियों से और ऊपर आके ये है। पूरा बारिश हो रही है बहुत तेज, और आपको मैं ऊपर सुबह ये दिखाती हूँ नज़ारा हमारी बोट की छत से नज़ारा। तो आप बोट की छत से नज़ारा, बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन सीरियसली कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नगीन लेक पर रुके थे, और क्यों रुके थे उसके रीजंस हैं ये कि दल लेक पर आपको 5,000 से 6,000 रुपए देने पड़ते हैं फॉर ए स्टे इन ए हाउस बोट फॉर वन नाइट। लेकिन वन नाइट के लिए अगर आपको नगीन लेक पर आपको बुक करनी हाउस बोट तो वो सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये में आ जाती है। दल लेक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप वहाँ पर हाउस बोट पर रुक रहे हो तो आपको बगल बगल में बहुत हाउस बोट देखनेगी, जिसकी वजह से आप नेचर को इंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन नगीन लेक पर ऐसा आपको ऐसा कुछ नहीं है, नगीन लेक पर आपको बहुत सुंदर और सीनरी एटमॉस्फेयर मिलेगा। थर्ड, दल लेक के पास आपको काफ़ी मार्केट और रेस्टोरेंट मिलेंगे, वो उसका थोड़ा प्लस पॉइंट भी है, जहाँ पे आप बहुत अमेजिंग उनके फूड्स इंजॉय कर सकते हो कश्मीर के, बट नगीन लेक के पास ऐसा नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर किसी को नगीन लेक पर ना रुकने के लिए बोलता है। रेस्टोरेंट तो नहीं, बट नगीन लेक के पास हजरत बल दरगाह है वो, जो कि बहुत ही काफ़ी पास पड़ती है। आप इन रीजंस के हिसाब से अपना स्टे चूज कर सकते हो। एंड आई विल रिकमेंड कि लाइफ में एक बार तो आपको हाउस बोट में रहने का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। यहीं पे हमारा सफर खत्म होता है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय शब्बा खैर। लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बता देना आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। टाटा बाय बाय शब्बा खैर।